स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल। और आज आपके लिए फिर मैं कुछ खास लेकर आया एक स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि ओलंपियाड के जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, KBPY, JEE एडवांस का पेपर होता है या NTSC, तो छोटे मोटे या छोटे या हो सकता है बड़े लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या है स्टीवर्ट, हम पढ़ते हैं एक बार इसको। स्टीवर्ट थ्योरम यील्ड्स अ रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ ए साइड्स एंड द लेंथ ऑफ ए सीवियन इन अ ट्राइंगल। इट्स नेम इज इन द ऑनर ऑफ द स्कॉटिश मैथमेटिशियन मैथ्यू स्टीवर्ट, हु पब्लिश द थ्योरम इन 1746। अब यहाँ एक नया वर्ड आपके लिए आया, सीवियन क्या होता है। बेसिकली सीवियन क्या है, सीवियन इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल विद ए पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड और इट्स एक्सटेंशन। और फॉर्मूला क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कह रहा है कि जो रिलेशंस हमें कह रहा है कि साइड्स के बीच में और लेंथ ऑफ सीवियन के बीच में जो बेसिक रिलेशन आएगा, वो हम इस फॉर्मूले से याद रखते हैं। फॉर्मूला क्या है, मैन एंड हिज डैड पुट ए बॉम्ब इन द सिंक। तो इसका मीनिंग क्या है, ये हम ट्राई करेंगे इस थ्योरम के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, बी अलर्ट। एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, ABC। ये B हो गया और ये अपना क्या हो गया, C। सीवियन का मतलब एक लाइन सेगमेंट आ रहा है जिसको इस वर्टेक्स पे और अपोजिट साइड के ऊपर अगर कोई पॉइंट आ रहा है, इसको मिला दिया तो इसको हम लोग सीवियन कहेंगे। अलग अलग नेम हो जाएंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, लाइक जो मीडियन होता है वो भी आपका सीवियन होगा, एल्टीट्यूड है वो भी आपका क्या होगा, सीवियन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी उसकी। तो अब हम सीखते हैं इसका प्रूफ कैसे क्या करें। मान लीजिए यहाँ पे BC पे एक पॉइंट आ रहा है D, और इनका जो रेशियो आ रहा है CD का रेशियो N और BD का रेशियो हमने ले लिया M। ये अपोजिट एंगल आ रहा है, B के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल b, C के अपोजिट क्या हुआ स्मॉल c, और एंगल A के अपोजिट जो साइड का लेंथ था वो आ गया A। इसको मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो थ्योरम है वो क्या कह रही है, थ्योरम ये कह रहा है कि भाई इनके बीच में रिलेशन हम कैसे लाएंगे। तो रिलेशन यार है बी स्क्वायर एन, लिख देता हूं मैं बी स्क्वायर एम प्लस आएगा सी स्क्वायर एन, सी स्क्वायर एन इक्वल्स टू आएगा आपका इनकी प्रोडक्ट आएगी तीनों की, एम ए एन प्लस आ जाएगा डी स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर टाइम्स दिस। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उस कॉन्सेप्ट से देखते हैं ये क्या कह रहा है। ए मैन एंड हिज डैड पुट ए बॉम्ब इन द सिंक, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये साइड्स और इन रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है वो बेसिक दिया आपको स्टीवर्ट ने, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टीवर्ट थ्योरम। इंपॉर्टेंट है कि हमें मीडियन का लेंथ निकालना या कुछ और भी फाइंड आउट करना, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऊपर कॉन्सेप्ट जैसे दिया मैंने, कॉन्सेप्ट कैसे बना, अ मैन, मैन दैट मीन्स एम एन आया, एंड हिज छोड़ दीजिए डैड डी ए डी, तो प्लस आ गया डी ए डी इक्वल्स टू पुट ए बॉम्ब, बॉम्ब का क्या आया बी एम बी ले लो, सिंक को हम लिख देंगे सी एन सी सिंक। तो मुझे लगा कि शायद ऊपर वाला रिलेशन हमारा बन चुका है। ये देखते हैं, यह आ गया बी स्क्वायर एम, यह आ गया सी स्क्वायर एन, यानी लेफ्ट हैंड साइड एम ए एन एज इट इज एंड दिस वन डी स्क्वायर ए। तो ये आपका स्टीवर्ट थ्योरम है। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इसको। प्रूफ कर सकते हैं इसको दो तरीके से। पहला मेथड आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा दो और इस वाले में पाइथागोरस लगा दो और ये वाला पार्ट्स प्रूव करने की कोशिश करो। एक और टेक्निक आता है जिसमें हम साइन रूल या कोसाइन रूल का यूज़ करेंगे, जो काफ़ी इजी भी पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को ले लिया मैंने थीटा और इधर वाला एंगल आ गया देखो 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है या सप्लीमेंट्री आ रहा है। सप्लीमेंट्री आएंगे क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए कितना होता है 90। अब इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा दो और इस वाले ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा दो,
मैं लिख भी देता हूँ साथ में, जो छोटे या बड़े या जो भी है वो सब लोग इसको समझ भी लें कैसे है। स्टूडेंट्स अब हम लगाते हैं इसमें कोसाइन रूल, एक बार इस ट्राइंगल में और एक बार इस ट्राइंगल में। सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू, कॉस ऑफ एंगल दिस इक्वल टू आएगा डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर आएगा 2 टाइम्स डी इंटू एन। लगा देते हैं इसमें डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डी इंटू एन। नाउ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साथ में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा माइनस का 2 एन डी एंड कॉस थीटा से इक्वेशन नंबर 1। सेम हम कोसाइन रूल लगा लेंगे इस वाले ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में देखो बेटा क्या बन रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कोसाइन रूल भी, कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस एम स्क्वायर प्लस आ गया डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एम इंटू डी। तो ये आ गया एम स्क्वायर प्लस आ गया डी स्क्वायर माइनस आ गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एम इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 एम डी कॉस थीटा से इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों रिलेशन में देखिए हमें एलिमिनेट करना है कॉस थीटा वाला टर्म, तो इनके कॉफिशियंट्स बराबर कर लो। हमें एलिमिनेट करना है कॉस थीटा वाले टर्म, तो इन दोनों के कॉफिशियंट हम एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे आ गया 2 एन डी कॉस थीटा, यहाँ पे आ रहा है 2 एम डी कॉस थीटा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैं एम से और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एन से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो कॉफिशियंट्स के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो आप एम से और इसको मल्टीप्लाई कर दो एन से, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, जब मैं इसको एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिला क्या, एम डी स्क्वायर प्लस आ गया एम एन स्क्वायर माइनस आ गया एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम एन डी कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करा एन से और यहाँ लिख देता हूँ मैं एम स्क्वायर एन प्लस आ गया आपका डी स्क्वायर एन माइनस आपका एन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम डी एन कॉस थीटा। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, प्लस कर देते हैं, तो ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो गया। इनको ऐड करेंगे तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सिस्टमेटिकली ऐड करो, एम स्क्वायर एन प्लस मैंने कर दिया एम एन स्क्वायर, ठीक, प्लस आ रहा है डी स्क्वायर एन प्लस आ गया एम डी स्क्वायर, और ये जो दोनों नेगेटिव टर्म थी इनको मैं राइट हैंड साइड में लेके चला गया, तो ये आ गया एम बी स्क्वायर प्लस आ गया एन सी स्क्वायर। ठीक, इसको तो बॉम्ब बना देता हूँ मैं, बी एम बी बना दिया, इसको सिंक बना देता हूँ सी एन सी कर दिया, सिंक हो गया, दिस इज बॉम्ब एंड दिस इज सी एन सी सिंक। इन दोनों में से एम एन कॉमन ले लो, अगर एम एन कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया एम प्लस एन आ गया, यहाँ से कॉमन आ रहा है अपने पास डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ये बचा कितना एम प्लस एन। अगले स्टेप में अब देखिए कि एम प्लस एन की जो वैल्यू है, एम प्लस एन विल बी इक्वल्स टू ए आ रहा है, तो यहाँ ए पुट कर दीजिए, ये भी ए हो गया और ये वाला भी क्या हो गया ए। तो बना के अपना रिलेशन, फर्स्ट को मैं लिख देता हूँ सिस्टमेटिकली एम एन कर दिया, दूसरे वाला डी ए डी बना दिया डैड हो गया, एंड बी एम बी प्लस आ गया सी एन सी, और यही हमारा क्या स्टीवर्ट थ्योरम का प्रूफ है। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग थ्योरम है, मज़ेदार थ्योरम, सीखते रहिए और सरप्राइजली शेयर भी करते रहिए। सो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स वॉचिंग, बाय बाय।